खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कहावत तो आप बहुत बार सुनी होगी कि जब गिद्ध की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन गिद्ध जल्दी देखा नहीं होगा क्योंकि गिद्ध की संख्या में भारी कमी होने के बाद गिद्ध को विलुप्त हो चुकी प्रजाति में शामिल किया गया, जिसके बाद गिद्धों संरक्षण के लिए कई अहम बदलाव किए गए, लेकिन सौ जतन करने के बाद भी गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। वही आज भी किसी कहानी पहले की तरह रह गई, लेकिन कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र में मुस्लिम कब्रिस्तान में गिद्ध एक जोड़ा देखा गया, जिसमें से एक गिद्ध लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंप। हम आपको बता दें, गिद्ध विलुप्त हो चुकी प्रजाति की श्रेणी में आता है, सरकार इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अच्छी खबर आई है। यहां के ईदगाह कब्रिस्तान में एक गिद्ध का जोड़ा देखा गया। गिद्ध पकड़ने वाले मोहम्मद शफीक ने बताया कि कई दिनों से एक छत के ऊपर गिद्ध का जोड़ा बैठ रहा था, लेकिन बीते कल उनमें से एक लड़खड़ाकर नीचे गिर गया, जिसको हमने पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। ये मेरे नाना के सुपुत्र हैं, वसीम भाई। हमें भैया को मसाला भी खिला दो। ये उनके बड़े बेटे हैं मोहम्मद इकबाल। इधर दिखाइए प्लीज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।